हे हेलो माय ब्यूटीफुल एंड पावरफुल फैमिली एंड एवरीवन हु इज़ वाचिंग माय वीडियो। सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को प्लीज़, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर करके इसे जल्दी से जल्दी 500 तक पहुंचाएं। आज का टॉपिक है किसी भी प्रॉब्लम को किस तरह से डील करें। सबसे पहले तो प्रॉब्लम वर्ड यूज़ करना ही अब्राहम हिक्स मना करती है, वो इसे कॉन्ट्रास्ट का नाम देती है। आपके लाइफ में कोई भी एरिया हो, मोस्टली मेरे पास क्वेरीज आती है कि घर में इन लॉस से रिलेटेड या फिर बहुत सारे फैमिली मेम्बर से रिलेटेड, हस्बैंड से रिलेटेड, कि उनसे नहीं बन रही है, वो उन पर या चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, एक्सेट्रा, नेगेटिव इन्वायरमेंट है, कैसे डील करना है। या फिर प्रोफेशनल फील्ड में भी कोई आपके अगेंस्ट कंस्पिरेसी कर रहा है, हालांकि कोई करता नहीं है, ये आपके माइंड में होता है, बट लोग इस तरह से क्वेरी करते हैं, तो मुझे उसका जवाब देने के लिए, मुझे इस पर वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट आई है। तो किस तरह डील करें इस सिचुएशन को, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जापान का चीन पर कब्जा था, और एक दिन जापानी एडमिरल आया और उसने चाइनीज सोल्जर को जंग के बाद हिसाब किताब देने को कहा कि उस समय ऐसा होता था कि जो जिस देश का जिस पर कब्जा होता था फिर वो उनके सारे हिसाब किताब लेते थे। तो उन्होंने चाइनीज सोल्जर से हिसाब किताब देने को कहा एंड चाइनीज सोल्जर ने कुछ हिसाब किताब देने में अपने देश के लिए कुछ वफादारी दिखाई, यानी कि उन्होंने कुछ इसमें मैनिपुलेशन कर दिया। अब अगर वो पकड़े जाते तो उन्हें टॉर्चर सेल में डाल दिया जाता, जो कि उस समय की यही सजा थी। तो अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उन्होंने टाइपराइटर निकाला और लिखना शुरू किया कि सबसे पहला उन्होंने ऑप्शन लिखा कि मैं डायरेक्ट जाकर बता दूं, पर फिर भी वो बच नहीं पाते, उन्हें टॉर्चर सेल में डाल दिया जाता। सेकेंड ऑप्शन था कि वो भाग जाए, लेकिन चाइनीज और जापानीज के शक्लों में अंतर होता है, वो पकड़े जाते फिर भी वो टॉर्चर सेल में डाल दिए जाते। थर्ड ऑप्शन उन्हें समझ में आया कि वो कुछ ना करें, एंड उन्होंने यही किया। अगले दिन जापानी एडमिरल आया, उन्हें घूरा और वापस चला गया, यानी कि नो एक्शन जो होता है वो प्रॉब्लम को डील करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। अगर वो कुछ भी एक्शन लेते, कुछ भी प्रॉब्लम को बचाव करने की अपने अगेंस्ट, कुछ भी अपने फेवर में कुछ भी एक्शन लेते, कुछ बोलते, कुछ समझाते, तो वो अपनी किताब में लिखते हैं कि अपनी बायोग्राफी में कि वो आज ये अपनी कहानी बताने के लिए जिंदा ना होते, क्योंकि उस समय की यही सजा होती थी, टॉर्चर सेल में डाल दिया जाता था, जहां अंत तक उन्हें मृत्यु तक वो टॉर्चर सेल में ही रहते थे। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे बिहेव किया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, और सचमुच उनकी लाइफ में ऐसा ही हुआ कि कुछ नहीं था। यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितने अच्छे तरह से काम करता है। हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम को पकड़ते हैं, उस पे सॉल्यूशन के इतने सारे आइडियाज लगाते हैं, और पता चलता है कि हम उसी में उलझ जाते हैं, जबकि प्रॉब्लम को डील करने का प्रॉब्लम या कॉन्ट्रास्ट हो या किसी भी चीज़ को डील करने का सबसे अच्छा तरीका है ये अपने माइंड को ये कमांड देना कि यहाँ पे आपके अगेंस्ट कुछ भी नहीं हो रहा है, यानी कि आपकी सराउंडिंग में कुछ भी हो रहा है, इट्स जस्ट हैपनिंग। और अगर आप रिएक्शन नहीं देंगे तो वो चीज़ें वेव की तरह गुजर जाएंगी और आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएंगी, क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी। अगर कोई चिल्ला रहा है, कोई बोल रहा है, कोई आप इल्ज़ाम लगा रहा है या कुछ भी एक्शन ले रहा है, इट्स एनर्जी, एंड चाहे वो साउंड हो, वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, एंड ये क्या है, तो आंसर है दोनों, यानी वेव और पार्टिकल दोनों है। जब नॉर्मली हम इस पे फोकस नहीं करते हैं तो इट बिहेव्स लाइक वेव, यानी कि वो जस्ट मूव कर जाएगी, आपको कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे ही आप उस पे फोकस करते हैं, यहाँ पे ऑब्जर्वर इफेक्ट काम करने लगता है, एंड वो चीज़ें आपको किसी न किसी रूप में मैनिफेस्ट हो जाएंगी, या तो आपका लड़ाई हो जाएगा, आपका झगड़ा हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हम उस पर फोकस नहीं देते हैं, यानी कि
उस पर किसी भी तरह का रिप्लाई या रिएक्शन नहीं देते हैं तो वो चीज़ें जस्ट फ्लो कर जाती हैं, जिस तरह से कि सड़क पर हजारों लाखों गाड़ियां जा रही हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि कितनी लाल, कितनी पीली, कितनी वाइट चली गई, लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है, आप फोकस करते हैं कि कौन सी गाड़ी वाइट है, वो आपको दिख जाती है। इसी तरह से प्रॉब्लम को डील करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे बस शांति से देख करके, जस्ट उसे देखना है, ऑब्जर्व करना है, एंड इट विल मूव अवे, इट विल फेड अवे। ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, कोई भी चीज़, कोई भी सिचुएशन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक कि आप उस पर रिएक्ट ना करें। रिएक्ट करने के बजाय रेस्पॉन्ड करें, आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे आपके लाइफ की सारी चीज़ें सिर्फ एक फॉर्मूला से डील हो जाएंगी। सो उम्मीद है मेरा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एंड जुड़े मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।